स्पेस है पोर्च एरिया का, जहाँ पे आपकी एक फोर व्हीलर इजीली पार्क हो जाती है। और ये इसका जो फ्रंट एलिवेशन है, ये देखिए यहाँ से, तो ये सिलेंडर के लिए जगह बनाई गई है, वो भी आप देखिए। और टॉप और बॉटम दोनों में आपको कैबिनेट की फैसिलिटी दी गई है। इसकी साइज़ की हम बात करते हैं तो अप्रोक्स 14x14 की साइज़ का ये बेडरूम है। बहुत ही अच्छा स्पेस बेडरूम में है। ये देखिए कितना बसावट का एरिया यहाँ पे है, ये देख लीजिए आप, चारों तरफ बसावट है। दोस्तों, क्या आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं जयपुर में बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, जिसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े रूम साइज़ आपको मिले, हॉल साइज़ मिले अच्छी साइज़ के, और किचन भी बहुत ही अच्छी साइज़ का मिले, और जो इंडिविजुअल विला है वो भी बहुत ही अच्छी साइज़ का आपके लिए अवेलेबल हो, तो ये वीडियो स्पेशली आप सबके लिए है। दोस्तों, मेरा नाम है बीएल शर्मा और आप सभी का हमारे नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है। ईस्ट फेसिंग है, दोनों के दोनों ही 100-100 वर्ग गज के अंदर ये बने हुए हैं। 3 बेडरूम फुल डुप्लेक्स JDA अप्रूव्ड इंडिविजुअल हाउस है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ये वाला दिखाने वाले हैं। और सबसे पहले बता दें, इनके अंदर सेपरेट पट्टा आपको दिया गया है। तो ये जो प्रॉपर्टी है SBI लोनेबल प्रॉपर्टी है, आप किसी भी नेशनलाइज बैंक से लोन इजीली ले सकते हैं। इसके सामने आप देखते हैं तो 30 फीट रोड यहाँ पे दी गई है, ये आसपास की लोकेशन है, और ये वैशाली के बिल्कुल पास की लोकेशन है। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो के अंदर ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या है, इसकी रेट क्या है, और बाकी की डिटेल भी वीडियो में ही बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको डबल डोर दिया गया है, ये एक डोर है और ये बड़ा वाला। फोर व्हीलर आप जब एंटर करते हैं तो आप बड़ा वाला यूज ले सकते हैं, अदरवाइज छोटे वाला भी यूज ले सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो एक अच्छा स्पेस है पोर्च एरिया का, जहाँ पे आपकी एक फोर व्हीलर इजीली पार्क हो जाती है। ये देख सकते हैं स्पेस, सामने की तरफ वाटर टैंक का प्रोविज़न है। दोस्तों, अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो नियर बाई आपको 100-150-200 मीटर में आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट। और ये इसका जो फ्रंट एलिवेशन है, ये देखिए यहाँ से। डायमेंशन की हम बात करते हैं तो 15x60 का ये इंडिविजुअल विला है, जो 3 बेडरूम के साथ आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप देखते हैं तो ये सिलेंडर के लिए जगह बनाई गई है कि आप यहाँ पे अपना सिलेंडर रख सकें, और ये आपका किचन आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे 3 स्टेप बनी हुई है और उसके बाद में अपनी होती है एंट्री। और एंट्री से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे बड़ी विंडो दी गई है और ये पे आपको यहाँ पे वुडन का अच्छे क्वालिटी का डोर दिया गया है। दोस्तों, जैसे ही हम अंदर आते हैं तो आप देखिए कितनी अच्छी साइज़ का यहाँ पे होल दिया गया है, ये देखिए। और सामने की तरफ आपका बड़ा LED पैनल तैयार करके दिया गया है रेड्स के साथ। इस वॉल पे आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी डिजाइन बनाई गई है, शानदार फॉल सीलिंग की डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये देखिए LED लाइट के साथ। स्टेयर्स यहाँ पे अंदर से है और स्टेयर्स के नीचे आपको पूरा स्टोरेज की जो फैसिलिटी है वो बना के दी गई है, ये देखिए। आप इस स्पेस को आज आसानी से यूज ले सकते हैं, ये वो स्पेशन है और बहुत ही अच्छी डिजाइन में तैयार किया गया है इसको भी। इसमें भी स्टोरेज की फैसिलिटी दी गई है, ये देखिए। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है वो भी आप देखिए, और यहाँ से जो स्पेस नज़र आ रहा है वो भी देख लीजिए, कितना अच्छा स्पेस है यहाँ पर। साइज़ की हम बात करते हैं तो 13x20 की साइज़ है, जिसमें ये कॉमन वॉशरूम है इस तरफ, वो भी इसी स्पेस में आ जाता है। और ये जो स्पेस है मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, इसके बाद में ये जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा स्पेस है, आप सामने देख ही सकते हैं। और इस तरफ है अपना मॉड्यूलर किचन, जो बहुत ही अच्छी साइज़ का है, 6.5x12 अप्रोच इस किचन की साइज़ है। यहाँ पर देखिए फ्रिज के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, और ये इसका पार्टीशन देखिए, बहुत ही अच्छा पार्टीशन बनाया है यहाँ पर, ये देखिए। और टॉप और बॉटम दोनों में आपको कैबिनेट की फैसिलिटी दी गई है। फ्रंट साइड में बड़ी विंडो है, और ये देखिए कैबिनेट्स, यहाँ पे चिमनी अभी बाकी है, वो लगा के दी जाएगी। और ये फॉल सीलिंग की डिजाइन। अब आपको कॉमन वॉशरूम दिखाते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो इसी स्पेस के अंदर आ रहा था वो ये वाला, ये देखिए। अभी सामान यहाँ पे रखा है। दोस्तों, ये है पहले नंबर का बेडरूम। स्पेस देखिए आप, कितना अच्छा स्पेस इस बेडरूम के अंदर दिया गया है। साइज़ की हम बात करते हैं तो ये 14x10 के आसपास की साइज है। इसके अंदर देखिए फॉल सीलिंग की डिजाइन, एसी का पॉइंट आपको सभी बेडरूम में दिया गया है,
और इस तरफ हम देखते हैं तो फुल लेंथ में यहाँ पे वार्डरोब है, बेड साइड में बड़ी विंडो डोर और ये बैकयार्ड का एरिया है। अब आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलते हैं, वहाँ पे जो पोर्शन बना हुआ है वो भी दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक लॉबी एरिया मिल जाता है, 7x20 के अप्रोच इसकी साइज है। ये देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं एक फॉल सीलिंग की डिज़ाइन, इस वॉल पे आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन बनी है वो, और यहाँ पे है कॉमन वॉशरूम। जो भी वॉशरूम आपको दिखाया था वो सेम साइज है, ये देखिए। और फर्स्ट फ्लोर पे बेड साइड में है दूसरे नंबर का बेडरूम इस विला का, जो उसी साइज में आपको मिल रहा है, 14x10 की साइज में अप्रोच। ये इसका स्पेस है, ये देखिए, ये इसकी फॉल सीलिंग की डिजाइन है, ये साइड वॉल है जिस पर डिजाइन बनी हुई है, और यहाँ पे फुल लेंथ में वार्डरोब है। बेड साइड में बड़ी विंडो है, डोर है और ये बैकयार्ड का एरिया है। अब आपको दिखाते हैं तीसरे नंबर का बेडरूम जो फ्रंट साइड में है फर्स्ट फ्लोर पे। ये देखिए दोस्तों, इस बेडरूम की साइज़ की हम बात करते हैं तो अप्रोच 14x14 की साइज़ का ये बेडरूम है, बहुत ही अच्छा स्पेस बेडरूम में है, ये देखिए। और इसके अंदर आपको फॉल सीलिंग की डिज़ाइन और अटैच वॉशरूम भी दिया गया है जो इसी स्पेस के अंदर है, ये देखिए इसकी साइज। और फ्रंट साइड में हम देखते हैं तो बड़ी विंडो है, डोर है और ये देखिए यहाँ पे फुल लेंथ में वार्डरोब भी है। और अब दिखाते हैं बालकोनी, ये देखिए इसकी बालकोनी जिसमें टफन गिलास लगाई गया है। अब आपको छत पे लेके चलते हैं, आसपास का व्यू दिखाते हैं और बात करेंगे रेट और लोकेशन की। ये बैक साइड की लोकेशन है, ये देखिए कितना बसावट का एरिया यहाँ पे है, ये देख लीजिए आप, चारों तरफ बसावट है और जितनी ज़्यादा बसावट होती है फैसिलिटीज आपको उतना ही पास में मिल जाती है। अब बात करते हैं लोकेशन की, तो दोस्तों यहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर बाद में आपका वैशाली आ जाता है, और जो अजमेर रोड से जो दिल्ली बाईपास है वो यहाँ से अराउंड 1.5 किलोमीटर है। ये गोकुलपुरा एरिया है, गोकुलपुरा जो फाटक है वो यहाँ से 500 से 600 मीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की बात करते हैं तो अराउंड 9-10 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। अब बात करते हैं इस विला की रेट की, तो जो डिमांडेबल प्राइस है दोस्तों वो है 55 लाख रुपये की, ऑन टेबल ये नेगोशिएबल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं प्रॉपर्टी विजिट करना तो आप हमसे बात कीजिएगा, हमारे नंबर और प्रॉपर्टी की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।